एक बी अहम खबर खावा के आग कई प्या सिंध हाईकोर्ट में गुम थियल मानू की बाजियाबी बाबत दरख्वास्तुन ते बुधनी थी है। अदालत जे आईटी टास्क फोर्स ऑफिसरन का रिपोर्ट तलब करे वरती आहे। गुम थियल मानुन जो तस्वीरों आवामी हंदन ते लगाई वनन। अदालत रिमार्क्स में चयो त लगापियल धुरियन का 28 मार्च ताई तफसीली रिपोर्ट भी तलब करे वरती आहे। अहम खबर आहे अवां सब शेयर करे रहा हूं। सिंध हाईकोर्ट में गुम थियल मानुन जी बाजियाबी बाबत दरख्वास्तन ते बुधनी थी आहे। अदालत जे आईटी टास्क फोर्स ऑफिसरन का रिपोर्ट तलब करे वरती। तफसील मालूम कंदासे कराची में आवासी जे रिपोर्टर आमिर सुप्रो असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी आमिर, कड़ा तफसील आन बुधनी जे हवाले सां आगाह कजो। हाँ जी बिल्कुल, फिलहाल सिंध हाई कोर्ट में जी है जे गुम थियल मानू मानू है उन्होंने लाइ जी है बुधनी थी है। हकीम सईद कतल केस में आजाद थे बाद सैयद एजाज हसन भी जो है गुम थी वो उनकी जी बुधनी थी है। अदालत जी है जी आई टी टास्क फोर्स ऑफिसर के रिपोर्ट रिपोर्ट तलब करे वरती है। गुम थियल मानू जो तस्वीरों जो है अवामी हंद से लगाने जो अदालत हुक्म दिनों है। गुम थियल सैयद एजाज हसन जो है उनके लिए रिमार्क्स दिना तो उनके तकड़ो बाजियाब कराया वे। हकीम सईद कतल केस में एजाज हसन आजाद थी वो जो बैंकॉक का बाद में वापस आयो तो उनके जो है सो गुम किया वो। बे तरफ एम क्यू एम के वकीलन जो चवण है तो 14 जी आई टी शही ठही चुकू हैं पर हिमल तई का भी कें भी मानू की जो है बाजाबी लाइ घबराई ना थी। जैसे अदालत लागापल इदारन के जो है 28 मार्च तक तफसीली रिपोर्ट अपडेट करने।